सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए नॉन हिंदी का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है अमीना हामिद की है। तो अमीना हामिद की कौन है? तो यहाँ पे है ऑप्शन क में दादी, ख में दीदी, ग में नानी, घ में काकी। तो आप लोगों को याद रखना है कि अमीना जो है हामिद की दादी है। ऑप्शन क जो है ना वो सही आंसर है। दूसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे ईदगाह, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हामिद मेले से लाता है। तो हामिद मेले से क्या लाता है? तो आप लोगों को याद होगा कि हामिद जो है वो चिमटा लाता है मेले से, इसीलिए ख जो है वो सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? ये भी उसी चैप्टर से है ईदगाह से। तो हामिद के पास जो है कुल 3 पैसे हैं। ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कर्मवीर की पहचान है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कर्मवीर की पहचान जो होता है वो साहसी होना, तो साहसी पुरुष को हम कर्मवीर कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पाँचवा बाल गोविंद भगत के लेखक है। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है रेखा चित्र है एक प्रकार की, उनके लेखक कौन है? तो कहना है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। छः नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे। तो क्या गाते थे? तो आप लोगों को याद रखना है कि बाल गोविंद भगत कार्तिक मास में प्रभाती गाते थे। ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र थी। तो आप लोगों को याद रखना है बाल गोविंद भगत की उम्र जो थी वो 60 से ऊपर थी, 60 से ऊपर गोरे चिट्टे मझोले कद के आदमी थे। इसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन है हुंडरू के झरने की ऊंचाई है। तो हुंडरू के झरना जो हुंडरू का जलप्रपात है कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम जी के द्वारा लिखा गया, तो उसमें हुंडरू के झरने की ऊंचाई बताया गया है 243 फुट। 243 फुट ऑप्शन क सही आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन है गांव के लोग सृजन को समझते थे। तो गांव के लोग सृजन को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे। ऑप्शन ख जो है वो सही आंसर है। ये ठेस कहानी से लिया गया है जिनके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। दस नंबर क्वेश्चन है ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी अभी बताया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में है दिनकर, बी में है अज्ञ, ग में है जो निराला और इसके बाद घ में है फणीश्वरनाथ रेणु। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि इसका क होगा कि ख होगा कि ग होगा या घ होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है पीपल किनकी रचना है? तो पीपल जो है वो गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया कविता है। तो ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सिरचन किस कहानी का नायक है? तो देखिए सिरचन जो है वो ठेस कहानी का नायक है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। तो ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? जो बाल गोविंद भगत पार्ट है वो किस प्रकार की रचना है? तो वो रेखा चित्र है। ऑप्शन घ जो है वो सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है यकीन का एक अर्थ है। तो देखिए यकीन का अर्थ होता है भरोसा दिलाना अर्थात भरोसा। तो ऑप्शन ख जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है गदगद होना का अर्थ है। देखिए गदगद होने का मतलब होता है खुश होना। तो ऑप्शन ग क जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चे की दुआ के कवि है। तो बच्चे की दुआ के कवि कौन है? ये बच्चे की दुआ एक प्रकार की कविता है और ये एक प्रकार की प्रार्थना गीत भी है, ठीक है। तो उनके लेखक जो है वो मोहम्मद इकबाल जी हैं। तो ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस कहानी का नायक है? तो अशोक के सत्र त्याग जो एकांकी है उसका नायक है। तो ऑप्शन घ जो है वो सही आंसर है। अशोक से अशोक को मिला दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन है, त्याग का अर्थ होता है, तो देखिए त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, ऑप्शन गौ है वो सही आंसर है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, उन्नत का अर्थ है, तो उन्नत का अर्थ क्या होता है, तो उन्नत का अर्थ होता है विकसित, ऑप्शन गौ जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर का प्राचीन नाम है, तो आप लोगों को याद रखना है कि भागलपुर का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो अंग कहना है, क्या, अंग, भागलपुर का प्राचीन नाम अंग है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद है, तो देखिए मनोरथ का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो मनह जो रथ होगा, जो कि ऑप्शन क में है, मनह जो रथ, मनोरथ, क इसका सही आंसर है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू का विलोम है, देखिए खुशबू का विलोम क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है, अगर किसी चीज़ को हम सूंघते हैं तो उसमें खुशबू देता है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, बदबू, तो बदबू ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची है, तो कानन का दूसरा शब्द क्या हो सकता है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो कानन का पर्यायवाची आप लोगों से पूछे तो कहना है जंगल, क्या कहेंगे, जंगल, ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पावस का पर्यायवाची है, तो पावस का पर्यायवाची पूछे आप लोगों से तो यहाँ पे ऑप्शन में सरिता, हंस, वर्षा, रजनी, तो आप लोगों को याद रखना है कि पावस का जब भी पूछे तो कहना है आप लोगों को वर्षा, क्या कहेंगे, पावस का वर्षा, ऑप्शन ग जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, निराला किस काल के कवि हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि निराला जो है वो आधुनिक काल के कवि है, और ये जो क्वेश्चन है दीनबंधु निराला जो निबंध है आचार्य श्री पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया उनसे लिया गया है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है, अभी मैंने बताया हूँ आप लोगों को कि दीनबंधु निराला जो है एक प्रकार की निबंध है जो कि आचार्य श्री पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, दीन का अर्थ होता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग ये वाला दीन नहीं समझिएगा, ये वाला दीन नहीं समझिए, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें सूर्य उगता है ना, तो ऐसा नहीं समझना है, इस दीन का अर्थ, द दीर्घ ई कार और नौ, तो इस अर्थ का अर्थ पूछ रहा है, तो दीन का अर्थ होता है गरीब, असहाय लोग, तो दीन का अर्थ क्या हो गया, गरीब, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है, कथा का अर्थात कहानी सम्राट किन्हें कहा जाता है, ऐसे इस क्वेश्चन को पूछता है कि कथा सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है या कहानी सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कथा सम्राट के नाम से जो है वो प्रेमचंद जी को जाना जाता है, प्रेमचंद, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे बाल मजदूरी की समस्या अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कहना है खेमा, खेमा पाठ में उभारा गया है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, खेमा किसके होटल में काम करता था, जो खेमा था 8 से 9 साल का लड़का वो किसके होटल में काम करता था, तो आप लोग याद रखेंगे खेमा जो था वो कसारा के होटल में काम करता था, ऑप्शन क इसका सही आंसर है, कसारा। 31 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है, तो देखिए खुशबू रचते हैं हाथ जी अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया कविता है, तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। इसके बाद है, नील गाय में कौन सा समास है, तो देखिए नील गाय में कौन सा समास आप लोग का पूछ रहा है, तो गाय क्या है, नीला है, नीला है तो क्या, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, तो नील गाय में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, तो देखिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौझिया गांव में हुआ था, तो यहाँ पे समस्तीपुर है तो इसीलिए ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के खाली स्थान बने, तो कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के क्या बने, तो आप लोगों को याद रखना है कि 2 बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, ठीक है, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी किनकी रचना है, तो ये झांसी की रानी जो एक प्रकार की कविता है वो किनकी रचना है, तो आप लोग कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा
किससे मिली? तो आप लोग याद रखेंगे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वो बापू महात्मा गांधी से मिली, तो बापू से। ऑप्शन क इसका सही आंसर है। अगर पूछेगा कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बापू महात्मा गांधी ही है। इसके बाद जो है 37 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो आप लोगों को याद होगा कि विक्रमशिला जो है वो भागलपुर जिला में अवस्थित है, तो भागलपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ख। इसके बाद जो है 38 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी का क्या नाम था? तो ऑप्शन क में है लक्ष्मीबाई, हीराबाई, रानीबाई और इसके बाद पद्माबाई। तो देखिए आप लोगों को याद होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, ऐसे आप लोग अपने लोग बचपन में पढ़ते थे ना मनोहर पोथी में, तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि झांसी की रानी का नाम जो है वो लक्ष्मीबाई है, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुमकिन का अर्थ होता है? तो देखिए मुमकिन, कोई भी काम हमारे लिए मुमकिन है मतलब संभव है, तो आप लोग ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है, याद रखेंगे। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, खाक छानने छानना मुहावरे का अर्थ है? देखिए खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे बहाने बनाना, इज्जत करना, खुश होना, दर दर भटकना। तो देखिए खाक छानना मुहावरे का अर्थ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखना है, क्योंकि खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है दर दर भटकना, ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 41 नंबर क्वेश्चन, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है? नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इज्जत जाना, घूस देना, जान लेना, समय देना। देखिए ये तो आप लोगों को पता होगा कि नाक कटाने का अर्थ क्या है, इज्जत गवा देना अर्थात इज्जत जाना, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आशा का विलोम होता है? हम किसी आदमी पे आशा करते हैं तो उसका विलोम क्या होगा? उल्टा निराशा होगा, क्या होगा? निराशा, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपकार 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 उपसर्ग पूछ रहा है, तो कार उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों को याद रखना है कि उपकार में उप उपसर्ग है, तो उप ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है। इसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ आयु का विलोम होता है? देखिए दीर्घ आयु का विलोम क्या होगा? उल्टा, जो डबल समय जीता है दीर्घ आयु तो उसको अल्प आयु कह सकते हैं ना, तो अल्प आयु इसका ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, महंगा का विलोम होता है? कोई भी सामान खरीदते हैं उसका महंगा, तो महंगा का विलोम होता है सस्ता, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, मोहसिन किस पाठ का पात्र है? तो ये ईदगाह कहानी का पात्र है, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विवेक का समानार्थी है? देखिए विवेक का समानार्थी क्या होगा, तो समान अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, तो विवेक मतलब क्या होगा? समझ, क्या? समझ, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 48वां क्वेश्चन, मानू किस पाठ की पात्र है? तो मानू दीदी, तो ये जो है मानू वो किस पाठ की पात्र है? तो आप लोगों को कहना है ठेस, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का ही छोटी काकी के बेटी है मानू। इसके बाद जो है यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप लोगों को याद होगा कि पद्मा जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? कलिंग की, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। ये अशोक का सत्यत्याग से लिया गया है, बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा जो लिखा गया उसी से लिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्रतिज्ञा का अर्थ है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो ऑप्शन क में है प्रण करना, ख में है आज्ञा, ग में है त्याग, घ में है आशा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अगर आंसर सही रहा तो मैं आप लोगों को गुड, वेरी गुड कहूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।